बनाने जा रहे हैं जो कि रसमलाई और कलाकंद की मिश्रण है, रसमलाई केक। आइए फिर बनाने चले। इसको बनाने के लिए ना मैं 200 ग्राम पनीर ली हूँ। सबसे पहले हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। मैं देखिए ये तरह तरह की है, क्रिएट करने के लिए मैं ना सबसे बारीक वाला ले रही हूँ। सबसे बारीक नहीं, ये ज़्यादा बारीक है, ये बीच वाला है। हम इसमें करेंगे पहले कद्दूकस कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हमने पनीर को ग्रेट करके ले लिया है, एक पैन में मैं ली हूँ। इसमें ना हम एक कप ना मिल्क पाउडर डालेंगे, कोई से भी कप आप ले सकते हैं, कोई से भी नाप ले सकते हैं। और एक कप में ना यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और इनमें हम डालेंगे 1/4 कप शुगर, 1/4 कप शुगर कर लेते हैं। शुगर डालने के बाद और ना इसमें हम देखिए ये मैं 1/2 कप ना मिल्क ली हूँ और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और इसमें ना हम क्या डालेंगे, एक स्पून में इसमें घी डाल रही हूँ और थोड़ी सी हमें डालनी है इलायची पाउडर, में थोड़ी सी डाल रही हूँ और कुछ धागा में डाल रही हूँ केसर की, थोड़ा सा केसर आप डाल सकते हैं इसमें कलर और फ्लेवर के लिए। और इनको पहले गैस में नहीं चढ़ानी है, ऐसे ना मिक्स करना है। ये अब ना पहले आपको जैसे ठीक लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये आप ऐसे चलाते जाओगे ना वो फिर ना पतले हो जाएंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है, पहले बड़ा ठीक लग रहा था, अब देखिए पतला हो चुका है। अब इनको ना हम गैस पे रखते हैं, इनको ना लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें क्या करनी है, अच्छे से इसको चलाते जाना है। ये ना अब देखिए पानी की तरह दिख रहा है ना ऐसे, लेकिन ना लिक्विड हो गया है, लेकिन ये धीरे धीरे ना ठीक हो जाएंगे। तब तक हमें इसको पकाना है। और ये हमने जैसे घी यूज किया है, किसी के पास जैसे घी नहीं है तो आप ना मलाई भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए जो जितना भी लिक्विड था वो सारे रिड्यूस हो चुके हैं और हमने अच्छे से इसको ना हमें भून लिया है। अभी गैस ऑफ कर लेते हैं, पैन भी छोड़ चुका है देखिए। अब इनको ना थोड़े ठंडा करेंगे और इसको जमाएंगे हम एक ना ट्रे में रख के, पहले इसको ठंडा कर लेते हैं। अब इनको ना मैं यहाँ पर एक टीन की देखिए ली हूँ बर्तन, इसमें ना मैंने घी लगा दी हूँ और इसमें हमारी ये जो कलाकंद बनी हुई है इसको क्या करेंगे सेट करने के लिए रखेंगे। पहले सारा ना डाल देते हैं इसमें और अच्छे से फिर सेट कर लेते हैं। हमने देखिए इसको सेट कर लिया है अभी, और इनके ऊपर ना थोड़ा सा कटी हुई पिस्ता देंगे। और इनको ना 1 से 2 घंटे के लिए हम ना क्या करेंगे इसको रेफ्रिजरेट कर लेते हैं। यहाँ पर ना देखिए एक कढ़ाई में मैं ना 1 लीटर दूध गर्म कर रही हूँ, इसको हम रिड्यूस करेंगे। और इसमें ना अभी मैंने चढ़ाया है जस्ट, इसमें ना 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर में थोड़ी सी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ। और इनको ना हमें रिड्यूस करना है, इसमें थोड़ा सा केसर भी डाल देते हैं, कलर और फ्लेवर अच्छे रहेंगे इसीलिए मैं केसर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है तो डालेंगे नहीं तो नहीं। देखिए केसर का कलर भी आ चुका है और इसमें थोड़ी सी मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। और इनको ऐसे ही हमें ना थोड़ी देर के लिए ना इसको अच्छे से बॉयल करेंगे ताकि ये रिड्यूस हो जाए।
हमारा मिल्क देखिए कितनी रिड्यूस हो चुका है। इसमें ना इसी स्टेज पे ना हमें इसमें चीनी डालना है। ये चीनी आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालोगे कितना मीठा चाहिए आपको। और इसको भी थोड़ा सा मेल्ट हो जाने देते हैं और फिर ऑफ़ कर देंगे गैस को, क्योंकि ये हमारी हो चुकी है। थोड़ा सा मेल्ट हो जाएंगे ना शुगर तो हम इसको गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडे होने देंगे थोड़ा सा। इनको अभी ना फ्रिज में ठंडे होने के लिए रख लेते हैं। हमने 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखा था। आइए इसको कट करके देखते हैं ये हुआ है कि नहीं। बीच में से मैं कट कर रही हूँ। देखिए कितनी इजीली कट हो जा रही है। ये साइड जो हिस्सा है ना इसको मैं कट करके निकाल देती हूँ। और इनको हम क्या करेंगे, प्लेट में ले लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। इनको हम पहले प्लेट में रख लेते हैं और इनके ऊपर ना हम ना ये जो हमारी रबड़ी जैसे हमने रसमलाई बनाई थी ना चारों तरफ उसको फैला देते हैं। और उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम ना डाल देते हैं मलाई। देखिए बड़े अच्छे लग रहे हैं, कितनी डिलीशियस लग रहे हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये एक तरह की रसमलाई और कलाकंद का मिक्स है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट लगने वाला है। आपके घर में कोई मेहमान आएंगे तो आप इसे पहले से बना के रखिएगा और ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।